हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेरी ए लीग के मैच के बारे में, जो गाइस खेला जाएगा यहाँ से लाजियो और नापोली के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में इन दोनों टीमों के हर एक प्लेयर्स के बारे में फुल डिटेल्स में हम बात करेंगे। वैसे आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और ध्यान से देखना, ओके। तो अब हम नज़र डालते हैं सीधे इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर, और बार्सिलोना वाले मैच की भी मैं आपके लिए अपने टेलीग्राम चैनल पर 10 ग्रैंड लीग टीम प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैंने टॉप के कॉमेंट और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब बात करते हैं सीधे इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल के बारे में। तो गाइस लाजियो पॉइंट्स टेबल में फिलहाल के टाइम पर 6th पोजीशन पर है। वहीं पर बात करें नापोली फिलहाल के टाइम पर 3rd पोजीशन पर है। तो गाइस इन दोनों टीमों की जो पोजीशन है उसमें ज़्यादा अंतर देखने को मिलता नहीं है। तो गाइस अब बात आती है कि इन दोनों टीमों में से हम किस टीम को अपनी ड्रीम इलेवन टीम के लिए एक फेवरेट टीम मान चलें। तो गाइस मैं फिलहाल के लिए नापोली को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि नापोली इस लीग की टॉप बेस्ट टीम रही है अटैक से लेकर डिफेंस तक। लेकिन गाइस हम बात करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती हैं तो किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन दोनों टीमों की ओर से, और वहां से भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सी टीम इस मैच में क्लियर कट फेवरेट टीम होने वाली है हमारी शमोली टीम क्रिएट करने के लिए ड्रीम इलेवन पर। तो नजर डालते हैं सीधे इन दोनों टीमों का हेड टू हेड मैचेस पर। तो गाइस इन दोनों टीमों के बीच में लास्ट 5 हेड टू हेड मैच खेले गए, जिनमें से लाजियो ने इस टीम के सामने सिर्फ एक ही मैच विन किया है और 4 मैच लॉस किए हैं। अटैकिंग वाइज 1 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से 2.6 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया है। कहने का मतलब जब भी लाजियो इस टीम के सामने खेलती है तो पर मैच में कहीं ना कहीं एक गोल निकाल लेती है, लेकिन डिफेंस से प्रत्येक मैच में 2 और कभी कभी इस टीम सामने पर मैच में 3 या 4 गोल तक कंसीड कर देती है। तो परफॉर्मेंस डिफेंसिव वाइज काफ़ी डाउन है, अटैकिंग वाइज एवरेज देखने को मिलता है। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच दोनों टीमों के बीच में खेला गया, उस मैच को नापोली अपने होम ग्राउंड में इस टीम के सामने 4-0 से मैच को विन कर गई, और फिर से इन दोनों टीमों के बीच मैच खेला गया और उस मैच को भी नापोली 5-2 से विन किए, और एक मैच लाजियो ने अपना होम ग्राउंड में इस टीम के सामने मैच खेला और उसी मैच को लाजियो विन कर गई थी, और आज का मैच भी लाजियो को ही होम ग्राउंड में। क्या इस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन उससे पिछले 2 मैच इन दोनों टीमों के बीच में और हुए हैं और दोनों मैच नापोली ने विन किए और नापोली के वो दोनों मैच अपने होम ग्राउंड में खेले थे। तो परफॉर्मेंस नापोली का इस टीम के सामने काफ़ी शानदार रहा है अटैक से लेकर डिफेंस तक, तो इसीलिए मैं नापोली की एक फेवरेट टीम मान चलता हूं। लेकिन गाइस हम बात करेंगे इन दोनों टीमों जो करंट फॉर्म उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम पर जो परफॉर्मेंस है हम एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो गाइस लाजियो ने करंटली खेले हैं 6 मैच, जिनमें से 2 मैच विन करे हैं, 2 मैच ड्रॉ खेले और 2 ही मैच लॉस किए हैं। अटैकिंग वाइज 1.7 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से 1.5 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहना का मतलब ये टीम फिलहाल के टाइम पर प्रत्येक मैच में कम से कम 1 और कभी कभी ये टीम पर मैच में 2 या 3 गोल भी स्कोर कर देती है, लेकिन डिफेंस से भी कहीं ना कहीं ये टीम प्रत्येक मैच में 1 और कभी कभी ये टीम पर मैच में 2 गोल तक कंसीड कर देती है। तो परफॉर्मेंस अटैक से लेकर डिफेंस तक इस टीम का इक्वल ही देखने को मिलता है। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच लाजियो पोर्टो के सामने 2-2 से मैच को ड्रॉ खेलकर आ रही है। अटैकिंग वाइज इस टीम ने 2 गोल करे, लेकिन डिफेंस से भी 2 ही गोल कंसीड किए। लेकिन उससे पहले मुकाबला ये टीम उडिनेसे के सामने 1-1 से ड्रॉ खेले है, और उससे पहले मुकाबला फिर पोर्टो के सामने टीम 2-1 से लॉस भी किए। एक बोलोगना के सामने 3-0 से विन किया है, एसी मिलान के सामने इस टीम ने 4-0 से लॉस किया है, और फ्योरेंटीना के सामने टीम 3-0 से विन भी किए। तो परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो इस टीम का 2 मैच इस टीम ने ड्रॉ खेले, 2 मैच लॉस किए और 2 ही मैच इस टीम ने विन किए। परफॉर्मेंस अटैकिंग वाइज अच्छा है, लेकिन डिफेंस से कहीं ना कहीं पर मैच में गोल कंसीड कर देती है। अब बात आती है नापोली की जो करंट फॉर्म उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम पर जो परफॉर्मेंस है उस पर भी हम नजर डालते हैं। तो गाइस नापोली ने करंटली खेले हैं 6 मैच, जिनमें से 2 मैच विन करे हैं, 2 मैच मतलब 3 मैच ड्रॉ खेले और एक ही मैच लॉस किया। अटैकिंग वाइज 1.8 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से 1.3 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब ये टीम फिलहाल के टाइम पर प्रत्येक मैच में कम से कम 1 और कभी कभी ये टीम पर मैच में 2 या 4 गोल भी स्कोर कर देती है, लेकिन डिफेंस ये टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, बेहतर टीम सामने पर मैच में 1 गोल कंसीड कर देती है। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच नापोली बार्सिलोना के सामने 4-2 से मैच को लॉस करके आ रही है। इस टीम ने उस मैच में 2 गोल करे, लेकिन डिफेंस से 4 गोल कंसीड किए, और उससे पिछले 3 मैच इस टीम ने अटैकिंग वाइज ड्रॉ खेले। तीनों मैच में इस टीम ने 1 गोल किया, लेकिन डिफेंस से भी 1 गोल कंसीड किया है, लेकिन उससे पिछले 2 मैच इस टीम ने विन किए, एक वेनेजिया के सामने, एक सालरन निटाना के सामने 2-0 और 4-1 से विन भी किया। तो परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो नापोली का शानदार रहा है अटैक से लेकर डिफेंस तक। तो फाइनल गाइज अब बात आती है अब इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए। तो गाइज सबसे पहले हमने इन दोनों टीमों के पॉइंट्स टेबल पर नजर डाली, फिर इन दोनों टीमों के हेड टू हेड मैच पर नजर डाली, फिर इन दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म पर भी नजर डाली। अगर हम इन तीन फॉर्मेट को एक साथ
कंपेयर भी कर ले कि कौन सी टीम का बेहतर परफॉर्मेंस है इन तीनों फॉर्मेट में। तो गाइस पॉइंट टेबल के अकॉर्डिंग तो लाजियो की जो पोजीशन है थोड़ी सी डाउन है एज कम्पेयर टू नापोली। तो यहाँ पर तो लाजियो को हल्की टीम देखने को मिलती है और नापोली एक बेहतर टीम देखने को मिलती है। हेड टू हेड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लाजियो ने इस टीम के सामने सिर्फ एक ही मैच खेला है, मतलब एक ही मैच विन किया, और नापोली ने इस टीम के सामने सारे के सारे से मैच विन किए हैं। तो परफॉर्मेंस यहाँ पर भी नापोली ही काफ़ी अच्छा करते नजर आई है। बात करें रिसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग तो लाजियो ने परफॉर्मेंस एवरेज किया है, यानी अटैक से लेकर डिफेंस तक इक्वली परफॉर्मेंस रहा है, और नापोली की जो परफॉर्मेंस है अटैकिंग वाइज मैच को खेल लेती लेकिन डिफेंस जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, बेहतर टीम के सामने ही गोल कंसीड करती है। तो कहीं ना कहीं आपको तीनों फॉर्मेट में नापोली एक फेवरेट टीम देखने को मिलेगी। तो फाइनली गाइज अब बात आती है अब इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए। तो गाइज मैं मान के चलाऊँगी कम से कम इस मैच में लाजियो एक गोल तो करेगी करेगी। क्यों? क्योंकि इसका अटैक परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार है और डिफेंस नापोली का भी कहीं ना कहीं डाउन रहा है। तो मैं मान के चलाऊंगा एक गोल लाजियो करेगी और कम से कम आपको दो गोल कहीं ना कहीं नापोली की ओर से भी देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि नापोली का जो परफॉर्मेंस अटैकिंग वाइज वो काफ़ी शानदार है और लाजियो का जो डिफेंस है वो काफ़ी डाउन है। तो मैं मान के चलाऊँ इस मैच में 1-2 का प्रेडिक्शन होगा। 1-2 के प्रेडिक्शन के अनुसार हम अपनी ड्रीम 11 टीम बनाएंगे ड्रीम 11 पर। उससे पहले हम बात करेंगे इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितने गोल और कितना असिस्ट निकाले हैं। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं लाजियो के प्लेयर्स के बारे में, फिर हम नज़र डालेंगे नापोली के जो प्लेयर्स उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितने गोल और कितना असिस्ट निकाले। तो नज़र डालते हैं सबसे पहले लाजियो के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले अगर आप बिल्कुल नए हो और आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्यों? क्योंकि काफ़ी कम समय में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए इस YouTube चैनल पर कंटिन्यू लाते रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक भी कर सकते हो। और इसमें जो फाइनल टीम रहेगी ना वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने टॉप के कॉमेंट और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं सीधे मुद्दे की प्लेयर वाइज की, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट निकाले। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं लाजियो के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइज लाजियो की ओर से आपको कुछ लिमिटेड ही प्लेयर देखने को मिलेंगे, उन्हीं को टीम ट्राई करना है। केरो इमोबाइल इस टीम की तरफ से जो कि हाईएस्ट गोल टेकर है, 19 गोल कर चुका है और 4 गोल पेनल्टी किए। तो इस टीम की तरफ से फर्स्ट चॉइस पेनल्टी टेकर, फर्स्ट हाईएस्ट गोल टेकर है, चाहे तो वाइस कैप्टन बना सकते हो चाहे तो कैप्टन भी बना सकते हो। इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना। सर्जेस मिलिनकोविक एक ऐसा प्लेयर है जो कि डिफेंसिव पॉइंट तो देता ही देता प्लस गोल पोटेंशियल काफ़ी हाई रखता, तो इनको भी ड्रॉप बिल्कुल नहीं करना। ओके, पेड्रो अगर खेलेगा तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, अभी शायद इस मैच में डाउटफुल है। यहाँ से मैटिया है जिसने 4 गोल किए हैं। फिलिप एंडरसन अगर खेलेगा भी तो इतना ज़्यादा डिफेंसिव पॉइंट देगा भी नहीं और ज़्यादा 90 मिनट तक मुश्किल ही खेलेगा, तो ड्रॉप ही करना। लुइस अल्बर्टो एक ऐसा प्लेयर है जो गोल पोटेंशियल रखता है, असिस्ट पोटेंशियल भी काफ़ी है लेकिन डिफेंसिव पॉइंट भी अच्छा खासा दे जाता है, तो टीम में ट्राई करके चल सकते हो। अब यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर जिनको हमें टीम में ट्राई करके चलना ही चलना, इन दो प्लेयर को बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना। अब इन दो में से जो खेले तो उन दो में से किसी एक को ट्राई करना। ओके, लुइस अल्बर्टो को भी आप टीम में ट्राई करके चल सकते हो। अब बात आती है इस टीम से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए हैं इन प्लेयर्स के लिए, तो नज़र डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइज असिस्ट के मामले में देखा जाते हैं यहाँ से सर्जेज जिसने 8 असिस्ट और 8 ही गोल किए, तो एक मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर, वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। लुइस अल्बर्टो जो कि असिस्ट और गोल पोटेंशियल काफ़ी हाई रखता है, तो टीम में ट्राई करके चलो जरूर चलना। फिलिप एंडरसन अगर खेलता है तो देख लेना, लेकिन ज़्यादा मोस्ट मतलब ज़्यादा हम सेंटर फॉरवर्ड में से प्लेयर नहीं ले सकते, उस कंडीशन में हमको इसको ड्रॉप ही करना पड़ेगा। ओके, मैटिया है जिसने 4 गोल और 5 असिस्ट निकाले हुए हैं, और पेड्रो जो कि गोल पोटेंशियल और असिस्ट पोटेंशियल काफ़ी हाई रखता है। केरो इमोबाइल एक मोस्ट अवेलेबल प्लेयर है, तो टीम में ट्राई करके चलेंगे। बाकी का आप सामने रिकॉर्ड भी है, आप चाहते सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात आती है जो सेकंड टीम उसके जो प्लेयर्स उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट निकाले, तो नज़र डालते हैं नापोली के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस नापोली टीम की तरफ फिलहाल टाइम पर जो हाईएस्ट गोल टेकर मार्टिनेस इस टीम की तरफ से 7 गोल निकाल चुका, और विक्टर ओसिमहेन जो कि प्रीवियस सीजन का इस टीम की तरफ से मतलब फर्स्ट हाईएस्ट गोल टेकर है, और यहां से लोरेंजो इंशाइन एक ऐसा प्लेयर जो ये इस टीम की तरफ से फर्स्ट चॉइस पेनल्टी टेकर है, और इस टीम को ना अत्यधिक मैचों में पेनल्टी मिल ही जाती है। तो ये टॉप 3 प्लेयर को अपनी टीम में ट्राई करके चल लेना। अब बात आती है फैबियन रूइज़ जो कि डिफेंसिव प्लस असिस्ट पोटेंशियल काफ़ी हाई रखता है और गोल पोटेंशियल भी रखता है, तो टीम में ट्राई करेंगे। पीटर जेलेनस्की इंपॉर्टेंट प्लेयर है, नंबर 10 इस मैच में आपको खेलते नजर आएगा। लोजानो अगर खेलेगा तो 90 मिनट शायद इस मैच में ना भी खेले, तो इसको ड्रॉप ही करना। और यहाँ से पैतागना ये भी एक ऐसे प्लेयर है जो कि 90 मिनट खेलने का चांस काफ़ी कम रहेंगे, लेकिन ग्रैंड लीग में इन्हें एज ए वाइस कैप्टन बना सकते हो एक दो टीम में। ओके, बाकी यहाँ से आमिर रहमान जो कि हेडर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसने ऑलरेडी 3 गोल कर चुका है, तो टीम में ट्राई करना। और यहाँ से कोली बैली है जो कि ये भी काफ़ी अच्छा डिफेंसिव पॉइंट देता है प्लस
हेडर में ये भी स्ट्रॉन्ग है। ओके इलजिब इलमास जो कि ग्रांडिंग में ट्राई करना ज़्यादा मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन अगर हल्की टीम होती ना कोई तो मैं बोल देता कि हाँ इसको टीम में ट्राई कर सकते, क्यों क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस रहता है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है और अटैकिंग पोजिशन पर खेलता है। बाकी जितने और प्लेयर्स हम सभी का भी आप सामने रिकॉर्ड है, आप चाहते स्क्रीन शॉट ले सकते हो। अब यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिनको टीम में ट्राई करके चलना ही चलना, यहाँ से डी लोरेंज है फर्स्ट चॉइस, कोलाबेली इंपॉर्टेंट, आमिर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और यहाँ से आपके सामने ये तीन प्लेयर हैं। तो इन तीन को, इन चार को भी अपनी टीम से बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना। अब बात आती है इस टीम के सो कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए हैं, तो नज़र डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस असिस्ट के मामले में देखा जाए तो लोरेंजो है जिसने असिस्ट 5 निकाले हैं, 6 गोल पेनल्टी में किए हैं, और इस टीम की तरफ से ये ऐसा प्लेयर जो कि डिफेंसिव पॉइंट देता है। यहाँ से जिलेनस की जो कि डिफेंसिव प्लस अटैकिंग पोजीशन खेलता है, और इलजिफ इलमास जो कि परफॉर्मेंस इसका अच्छा रहा है हल्की टीम के सामने, शायद इस मैच में गोल कर सकता है, क्यों क्योंकि दूसरी टीम जो है वो डिफेंसिव कहीं ना कहीं डाउन है, तो आ सकता है इसका गोल। ओके फेबियन रुइस जो कि गोल प्लस दोनों में कंट्रीब्यूट, बाकी जितने और भी प्लेयर्स हैं सभी का आपके सामने रिकॉर्ड भी है, आप चाहते हैं सभी का स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। ओके तो अब बात आती है अब इस मैच के स्कोर लाइन प्रेडिक्शन हमने रखी है 1-2 की, और 1-2 के प्रेडिक्शन के अनुसार क्या रहनी चाहिए इस मैच जो हमारे समोली टीम है ड्रीम इलेवन पर, तो नज़र डालते हैं इस मैच के अकॉर्डिंग इस मैच की टीम पर। तो गाइस गोलकीपर में अगर देखा जाए तो दो चॉइस देखने को मिलेंगे, ओस्पिना और यहाँ से आपके सामने लाजो की ओर से देखने को मिलेगा, तो दोनों में से किसी को ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर देखा जाए तो ओस्पिना को टीम में ट्राई करना चाहिए, क्यों क्योंकि लाजो का जो अटैक है वो काफ़ी शानदार, ये टीम अटैकिंग पर अटैकिंग पोजिशन पर खेलती है, डिफेंस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, तो इसलिए टीम गोल कंसीड कर देती है। तो यहाँ से अब कोलाबेली एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और हाई सेज अगर आप चाहे तो मतलब ट्राई कर सकते हो, लेकिन मार्कस रुइस और यहाँ से डी लोरेंजो मेरी फर्स्ट चॉइस, यहाँ से दो प्लेयर रहेंगे, तो इनको तो मैं टीम में ट्राई करके चलूंगा। अगर आपको इन दो को भी करना तो आप कर सकते हो, मैं यहाँ से रुई को पिक करके चलने के लिए बोलूँगा। आमिर रहमान जो कि अटैकिंग मतलब हेडर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अकेरबी जो कि ये भी एक ऐसा प्लेयर है जो कि हेडरम गोल करके दे सकता है, और बाकी अगर ये प्लेयर खेलेंगे भी ना और यहाँ से इनको चाहे तो ड्रॉप भी कर सकते हो, क्योंकि इस मैच में हाई चांस है दोनों तरफ से गोल हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में इन प्लेयर का ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा भी नहीं। ओके तो यहाँ से मैं अभी के लिए यहाँ से रुई को पिक कर चला हूँ, चलो रहमानी को पिक करते हैं क्योंकि हेडर में स्ट्रॉन्ग है। ओके तो यहाँ से बात करें मिड में, तो यहाँ से मिलिनकोविक एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लॉरेंस इंसाइज इंपॉर्टेंट है, फेबियन रुइज एक इंपॉर्टेंट है, पीटर जिलेनस्की एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और यहाँ से लुइस अल्बर्टो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और बाकी तो यहाँ से 5 प्लेयर आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, तो इन 5 को तो हम टीम में ट्राई करके चल सकते हो, बाकी जितने और प्लेयर्स हैं इनका खेलने का चांस भी काफ़ी कम, लेकिन इलजिब इलमास अगर खेलेगा तो ग्रैंड लीग में एक दो टीम में ट्राई कर सकते हो एज ए कैप्टन भी एज ए वाइस कैप्टन। सिलेक्शन ओनली 3.6 है, लेकिन प्लेयर काफ़ी काबिल तारीफ रखता है। ओके बाकी जितने और प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादा मैं सजेस्ट करूँगा अब नहीं। अब यहाँ से आपके सामने काफ़ी अच्छी चॉइस देखने को मिलेंगी, बहुत अच्छी चॉइस देखने को मिलेंगी, लेकिन सेक्रीफाइस आपको करना ही होगा क्योंकि हम यहाँ से 3 ही प्लेयर पिक कर सकते हैं। अब 3 को मतलब इन 3 में से किसको सिलेक्शन करें, पेड्रो इस टीम तरह हाइस्ट गोल टेकर हाइस्ट असिस्ट टेकर, मार्टिनेज जो कि फर्स्ट हाइस्ट गोल टेकर, ओसिमहेन जो कि प्रीवियस सीजन का फर्स्ट हाइस्ट गोल टेकर और ये एक मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर है, फिलिप अंडरसन फिलहाल के टाइम पर गोल प्लस असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूट है, केरो मोबाइल जो कि दोनों टीमों को अगर मिलाई जाए तो सबसे ज़्यादा इसी प्लेयर के गोल देखने को मिले हैं, तो मैं यहाँ से केरो मोबाइल को भी बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करूँगा। अब चाहे मुझे किसी और प्लेयर को ड्रॉप करना पड़े, अब किसको ड्रॉप करें वो थोड़ी देखने वाली बात रहेगी। आमिर रहमानी तुझे सेक्रीफाइस करते हैं वीकली। ओके हम यहाँ से ओसिमहेन को ट्राई करते हैं और बाद में हम मिडफील्ड में लेते हैं कोई 8 क्रेडिट का कोई एक प्लेयर। हाँ अगर राडू खेलेगा तो राडू इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है क्योंकि ये भी डिफेंसिव पॉइंट कहीं ना कहीं दे ही जाता है, तो मैं राडू को टीम में ट्राई करूँगा। अब बाकी यहाँ से कैमानोविक भी है लेकिन इसको नहीं इतना ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ से राडू मुझे बेहतर प्लेयर लगता है, तो इसलिए मैं इनको टीम में ट्राई करूँगा। बात करें कैप्टन की, केरो मोबाइल मेरा ऑब्वियस पिक रहेगा कैप्टन का, आप चाहते यहाँ से लॉरेंजो इंसाइन को टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो, सर्जेस मिलिनकोविक को रख सकते हो, और यहाँ से फेबियन रुइज भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मैं भी के लिए केरो मोबाइल को टीम का कैप्टन रखता हूँ। वाइस कैप्टन यहाँ से अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शन हम यहाँ से मिलिनकोविक को रख सकते हैं, लेकिन याद रहे यार इस मैच में काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर को हम ड्रॉप कर रहे हैं। अब देखो 4 प्लेयर यहाँ पर ये आपको स्टार्टिंग लाइनअप में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, अब इनको सबको हम टीम में ट्राई नहीं कर सकते, तो इसलिए आप इस मैच में इन्वेस्ट लॉस मतलब लेस रखना। ओके तो बात आती है कैप्टन वाइस कैप्टन, तो इस तरह हमारी टीम दिखाई देगी, ये अभी के लिए टीम है। अब आप सोच रहे हो यार प्रेडिक्शन तो हमने उसके फेवर में रखी है कैप्टन वाइस कैप्टन इसके फेवर में, देखो ई मोबाइल गोल पोटेंशियल रखता है
और सर्चेस एक ऐसा प्लेयर है जो कि डिफेंसिव पॉइंट देता है प्लस असिस्ट पोटेंशियल भी हाई रखता है, गोल पोटेंशियल भी हाई रखता है, तो इसलिए मैं इसको वाइस कैप्टन देख चलाऊँ। रुइज भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रख सकता है वाइस कैप्टन, लेकिन ओसिम है मेरा फर्स्ट चॉइस, मतलब फर्स्ट चॉइस ग्रांडी पंत पिक रहेगा टीम का कैप्टन बनाने के लिए। ओके, लुइस अल्बर्टो भी एक बेहतर प्लेयर है, लेकिन सब बेहतर प्लेयर को हम टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं दे सकते, हम सिर्फ दो प्लेयर को ही दे सकते हैं, तो मैंने आपके सामने वो रखे हुए हैं। लेकिन ये टीम सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए टीम है, लेकिन जो फाइनल टीम रहेगी अकॉर्डिंग टू लाइनअप कि कौन सा प्लेयर कौन सी पोजिशन खेलेगा उसके अनुसार जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, वीडियो कंप्लीट देख लेंगे, पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पसंद आए तो वास्तव में चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय।